वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का प्रमुख खेल उत्पादी के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड, भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स अवार्ड कौन है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, इसके बाद अर्जुन अवार्ड, इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो एक्सीलेंस इन कोचिंग में दिया जाता है कोच को, इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड भी, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। इन चार अवार्ड भारत के प्रमुख स्पोर्ट्स अवार्ड में माना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अवार्ड इज गिवन, जो भारत का स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है किसी क्षेत्र में दिया जाता है ना, ओलंपिक गेम्स, किसी व्यक्ति जो ओलंपिक गेम में अच्छे प्रदर्शन किया तो उनको स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप डिसिप्लिन एंड क्रिकेट, इंडिजिनियस गेम, स्पोर्ट्स फॉर फिजिकल चैलेंजेस। इसी स्पोर्ट्स में किसी व्यक्ति अच्छे प्रदर्शन किया तो इन स्पोर्ट्स अवार्ड इस व्यक्ति को दिया जाता है। हम पहले चर्चा करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत का सबसे खेल रत्न होता है, इट इज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स जम इन हिंदी, हिंदी में राजीव गांधी खेल रत्न को हम स्पोर्ट्स जर्म भी कहते हैं। ये भी याद रखिए, स्पोर्ट्स जर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फर्स्ट अवार्ड 1991-1992 में पहली बार स्पोर्ट्स अवार्ड को दिया गया था। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जो भारत का प्रथम व्यक्ति थे स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हासिल किए थे, कब किए थे ना, 1991-92 में। किस खेल से संबंधित ना, चेस खेल से संबंधित थे विश्वनाथ आनंद। कैश प्राइज 25 लाख इन इंडियन रुपीज, जो जो राजीव गांधी खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड में 25 लाख भारतीय मुद्रा पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार अभी है, याद रखिए लेटेस्ट अपडेट पुरस्कार ये है। लेकिन जब इस अवार्ड शुरू किया गया था इस समय इस पुरस्कार प्राइज कम था, लेकिन अभी एग्जाम में आएगा अभी कितना राशि है 25 लाख, आप याद रखिए। नेक्स्ट ओन 2020 में कौन जीता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ना, रोहित शर्मा जीता है। इसके बाद मारिया अपना तंगावेलू, मोनिका बात्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, इस फाइव व्यक्ति को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में शामिल किया गया था, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। इट इज सेकेंड हाइस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया, अर्जुन अवार्ड जो भारत का द्वितीय सर्वबृहत खेल पुरस्कार होता है, फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड 1961। याद रखिए अर्जुन अवार्ड को पहली बार 1961 में शुरू किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल NTPC एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, अर्जुन अवार्ड किस साल में शुरू किया गया था ना, 1961, ये याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आने वाले एग्जाम के लिए भी। गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है अर्जुन अवार्ड को। कैश प्राइज 15 लाख इंडियन रुपीज, भारतीय मुद्रा में 15 लाख अभी इसका कैश प्राइज है। लास्ट अवार्डेड 27%, 2020 में 27 व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, याद रखिए, कारण इतना ही लोग का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, खाली याद रखिए 27% को दिया गया था 2020 में। इसके बाद हम बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रेजेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है। कैटेगरी कोचिंग, कोच को ही ये अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इंस्टीट्यूटेड 1985, याद रखिए 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड को शुरू किया गया था। कैश प्राइज 15 लाख इंडियन रुपीज, अभी द्रोणाचार्य अवार्ड में कैश प्राइज 15 लाख भारतीय मुद्रा होता है। फर्स्ट कोच टू इन बलचंद्र भास्कर भागवत, ये याद रखिए बलचंद्र भागवत भास्कर द्रोणाचार्य अवार्ड को पहली बार जीता था, कब ना 1985 में, याद रखिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट ध्यानचंद अवार्ड, इसके बाद हम ध्यानचंद अवार्ड के बारे में जानेंगे। इंस्टीट्यूट 2002 में पहली बार ध्यानचंद अवार्ड को दिया गया था।
हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ध्यानचंद अवार्ड, नेम्ड लीजान ध्यानचंद। भारत का वो हॉकी जादूगर थे ध्यानचंद, इसके नाम के मुताबिक इस अवार्ड को नामित किया गया है। कैश प्राइज 10 लाख इंडियन रुपीज, अभी 10 लाख भारतीय रुपीज इंडियन रुपीज में इसका पुरस्कार राशि है। फास्ट विनर के बारे में हम जानेंगे। फास्ट विनर इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्राइज के लिए, याद रखिए। शाहूराज, बिरजादर, अशोक दीवान, अपर्णा घोष, इस तीनों व्यक्ति पहली बार जीता था किस प्राइज को, ना ध्यानचंद प्राइज को। लास्ट विनर 2020 में कौन जीता था ना, याद रखे, मानुएल फेडरिक, अरूप भाषक, मनोज कुमार, नितिन कृतन, सी लारे मसंगा, इन व्यक्ति ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को 2020 में जीता था, याद रखे। धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह नीन एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।